हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर की जिला कार्य समिति की बैठक मंगलवार को जसदेव धाम में आयोजित हुई। जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित बोथारा ने बताया कि उक्त बैठक को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल तथा बाड़मेर संगठन प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल ने की। जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा ने वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला महामंत्री बालाराम मुड़ ने अतिथियों को धन्यवाद दिया। महामंत्री संपत राज बोथारा ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा, जिसका अनुमोदन पूर्व प्रदेश मंत्री स्वरूप सिंह राठौड़ तथा देवीलाल कुमावत ने किया। जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए देवल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आम जन से जुड़ाव, जरूरतमंद की सहायता, सेवा के साथ केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना उपचार व बचाव के हेतु आम जन को जागरूक करना व सहायता करने के उद्देश्य को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने तथा कार्य करने के लिए साधुवाद दिया। सेवा ही संगठन अभियान को मूर्त रूप में कार्य करने की कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। बैठक को संबोधित करते हुए नारायण सिंह देवल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला कर रहा है और हम सफल हो रहे हैं। नवंबर माह दीपावली तक 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 37 करोड़ टीके लग चुके हैं। केंद्र सरकार ने जल स्थल नभ तीनों से ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा कंस्ट्रक्टर खरीदने में घोटाले का भी जिक्र किया। राहत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया। 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए। भाजपा जिला संगठन प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने कहा कि मेरा बूथ टीकाकरण युक्त के तहत इस जन जागरण बनाकर घर घर जाकर टीकाकरण करवाना है। साथ ही राहत कार्यक्रम भी आयोजित करने हैं, जिसमें त्योहार और लॉकडाउन के समय सामाजिक व्यवहार की आवश्यकता पर लोगों को जागरूक करना, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि चुनाव हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों की जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा काम के दम पर चुनाव लड़ती है। पंचारिया ने कहा कि हमें बूथों का सक्रिय रूप से गठन करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उसका कार्यकर्ता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई आपदा आई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तन मन व धन से सहयोग किया है और आगे भी संगठन के आदेश की निष्ठापूर्वक पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा भाव भाजपा के खून में है। मेघावल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए दल से बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि रोजगार एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधियों में भय नहीं है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल ने स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की जन्म जयंती पर कार्यकर्ताओं को उनकी जीवन के बारे में बताया। एक साधारण सा व्यक्ति राजस्थान के उदयपुर में जन्मा, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का तथा राज्यपाल बनने के बावजूद भी साधारण सा जीवन जीना कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। संगठन को सर्वोपरि मानना उनकी विशेषता रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित किया। भाजपा जिला प्रवक्ता ललित बोथरा ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष तथा विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल तथा स्वरूप सिंह राठौड़, जिला महामंत्री संपत राज बोथारा, बालाराम मुड़ तथा स्वरूप सिंह खारा प्रधान मुकेश तथा रूपाराम सारण मंगल सिंह, अशरफ अली, तेली लक्ष्मण, वडेरा पृथ्वी चंद, सुरेश मोदी, अंबालाल अलबेला, रणवीर सिंह, भादु वर्मा, राम मेघावल, राजू दास भिल, पुरखाराम गंगा, विशन अग्रवाल, देवीलाल कुमावत, रमेश शर्मा, रमेश सिंह, इंदा मूल सिंह, जुड़िया स्वरूप सिंह, लगेरा सिगरती, देवी संगीता चारण, इंदु शर्मा, अनीता चौहान, जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष सहित आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।